इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं और अब 168 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 दिनों के अंदर केसेस कुछ बढ़े हैं। आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेस हैं 308 हैं और इनमें 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं। प्रदेश के अंदर इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि कैसे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में कार्रवाई हो रही है और कैसे कोरोना से लड़ाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे मान लिए चलते हैं। जो फंक्शन में हैं, इन सब में भी कोरोना टेस्टिंग की हम लोग लैब्स स्थापना करेंगे, ये कार्रवाई हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके अलावा सभी जनपदों में, हर एक जनपद में हम लोग कलेक्शन सेंटर बना करके इस प्रक्रिया को, क्योंकि वहाँ पर जो भी एपरेटस खरीदने होंगे, जो भी इक्विपमेंट खरीदने होंगे, इन सब को हम लोगों ने अभी से एक कमेटी गठित करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है।